नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जमकर अपना कहर बरपा रही है। हर रोज इस वायरस की चपेट में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में इस वायरस की चपेट में आने से लोगों की जाने जा रही है। खैर, इसी बीच अच्छी बात यह है कि अब भारत में पॉजिटिविटी दर कम होने लगी है। ऐसे में अब हाल ही में देश के पॉपुलर डॉक्टर, पॉपुलर कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल का निधन हो गया है। और आपको बता दें कि के अग्रवाल कोरोना वैक्सीन की दो डोज ले चुके थे, जिसके बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल के अग्रवाल पॉपुलर कार्डियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने देश के हजारों लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति एजुकेट किया था और वो लगातार इस मामले में लोगों को शिक्षा देते रहते थे। और साथ ही उन्होंने जुगाड़ू ओपीडी का भी कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स एक बार में अपना जूम मीटिंग पर 100 लोगों को देख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि 15 मिनट में एक डॉक्टर 100 लोगों को बता सकता है कि वो खुद को कोरोना वायरस से कैसे ठीक करें। साथ ही पिछले साल भी के अग्रवाल के कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिसमें वो लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में के अग्रवाल के निधन के बाद से ही एक गहरा शून्य व्याप्त हो गया है। के अग्रवाल के निधन के बाद कई डॉक्टर्स ने इसे अपना पर्सनल लॉस बताया है। वहीं के अग्रवाल के निधन पर उनकी बेटी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बोली है के अग्रवाल की बेटी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले देश के दिग्गज कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल की बेटी ने कहा है कि उन्होंने बहुत सी जिंदगियां बचाई, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी बेटी नैना अग्रवाल ने पिता को याद करते हुए ये बात कही है। देश के नामी डॉक्टरों में से एक के अग्रवाल का सोमवार देर रात इलाज के दौरान निधन हो गया। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और एक हफ्ते से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। के अग्रवाल के ट्विटर अकाउंट पर ही उनके निधन की खबर परिवार के लोगों की ओर से साझा की गई थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर पहचान रखते थे, लेकिन कोरोना काल में लोगों को इस महामारी से जागरूक करने वाले वीडियोस के चलते उन्हें काफ़ी चर्चा मिली थी। वो बीते साल से ही कोरोना से लोगों को सतर्क करने के लिए वीडियो शेयर कर रहे थे। 62 साल के अग्रवाल के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाने लगी। खास तौर पर कोरोना से दूसरों को बचाने की कोशिश करने वाले अग्रवाल के खुद कोरोना से निधन की वजह से लोग काफ़ी दुखी हैं। डॉक्टर अग्रवाल के निधन पर उनके परिवार के अलावा मेडिकल जगत को ही स्तब्ध कर दिया है। नामी डेंटिस्ट और पद्म भूषण सम्मान हासिल करने वाले डॉक्टर अनिल कोहली ने अग्रवाल के निधन को अपनी निजी क्षति बताया है। अनिल कोहली ने अपने मित्र को याद करते हुए कहा, वो मेरे दोस्त थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से हमें छोड़ जाएंगे। उनके निधन से चिकित्सा जगत को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। उन लोगों के लिए ये झटका है जिन्हें जागरूक करने के लिए वो प्रयासरत थे। उन्होंने खुले दिल से लोगों की मदद की थी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। मैं आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल के निधन से पूरा देश मर्माहत है। उन्होंने 28 अप्रैल को जानकारी दी थी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित होने के बाद भी उन्होंने लोगों को लगातार कोरोना से बचने और उसके इलाज के लिए एजुकेट किया था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले तक उन्होंने डॉक्टर्स होने के पूरे कर्तव्य किए। वो लगातार ऑनलाइन मरीजों की परेशानियों को सुलझा रहे थे। अस्पताल में जब उनके मुंह पर ऑक्सीजन पाइप लगी हुई थी, फिर भी मरीजों को सलाह दे रहे थे। अग्रवाल अपने प्रोफेशन में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मशहूर थे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। जुगाड़ू ओपीडी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अग्रवाल लगातार कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों को इस संकट से निकालने में मदद करते थे। उन्होंने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से निवेदन किया था कि 100-100 मरीजों को जूम पर एक साथ देख लें। इस माध्यम से आप 15 मिनट में 100 लोगों को समझा सकते हैं। हालात के अनुसार आप अपने ओपीडी को जुगाड़ू ओपीडी में बदल दें। उनके निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये समूचे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर के अग्रवाल का निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने जीवन भर गरीबों, वंचितों के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए काम किया। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उनके निधन से चिकित्सा क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचा है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी दरियादिली के लिए विख्यात थे। देश के हर वर्ग के लोग उनके निधन पर दुखी हैं।
IMA ने एक ट्वीट में कहा है कि डॉक्टर के अग्रवाल बहुत बड़ी शख्सियत थे और जन शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। महामारी के दौरान भी हम सब का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने लाखों लोगों की सेवा की। उनके जाने से IAM को अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन इन एशिया एंड ओसेनिया जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के भी के अग्रवाल अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 1958 को जन्मे डॉक्टर के अग्रवाल ने डॉक्टर बनने के बाद अपना जीवन आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित और जागरूक करने में लगा दिया। वो कोरोना के प्रति जागरूकता के पर्याय बन गए थे। वहीं डॉक्टर के अग्रवाल इस कदर विनम्र और सहज थे कि जो भी उनसे मिलता उनका हो जाता। वो दिल की बीमारी को इस तरह समझाते कि हर किसी को उनका अंदाज भी भा जाता। डॉक्टर के अग्रवाल उन चुनिंदा डॉक्टरों में शामिल हैं जिन्होंने चीन में कोरोना की महामारी शुरू होने पर उस साल नवंबर दिसंबर से ही इसके संभावित खतरे के प्रति आगाह करना शुरू कर दिया था। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए DMA पूर्व डॉक्टर अनिल बंसल ने कहा कि के अग्रवाल दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी 10 साल सदस्य रहे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और ज़रूरतमंदों की मदद की। वो हर साल स्वास्थ्य मेला लगाते थे जहाँ निःशुल्क जाँच की जाती थी। वो करीब 20 सालों से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए काम करते रहे। IMA के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एसोसिएशन के मुख्यालय में जन औषधि केंद्र और एक OPD की शुरुआत की थी ताकि ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह और सस्ती दवाएं मिल सकें। लेकिन उनके अध्यक्ष पद से हटने के बाद IMA उन सुविधाओं को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाया। उनकी सोच थी कि देश के हर व्यक्ति को CPR की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा निधन हार्ट अटैक से होता है। हार्ट अटैक होने पर अगर तुरंत CPR दी जाए तो बहुत मरीजों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन लोगों में इसकी जानकारी का अभाव है। इसलिए उन्होंने पुलिस, एम्बुलेंस कर्मियों और जगह जगह स्कूलों में जाकर CPR का प्रशिक्षण दिया। कोरोना के संदर्भ में भी उन्होंने दर्जन वीडियो बनाकर बहुत ही आसान भाषा में लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का काम किया ताकि लोगों को कोरोना के प्रति सचेत और जागरूक किया जा सके। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।